लेकिन उत्तराखंड में एक सवाल इन दिनों सर्वोपरि है कि ये आग कब बुझेगी। और इसी के मद्देनजर नैनीताल हाईकोर्ट ने जंगलों की आग पर सुनवाई के मामले में अब 9 मई को अगली सुनवाई ट्रांसफर कर दी है केंद्र और राज्य को। नैनीताल हाईकोर्ट का नोटिस है, हाईकोर्ट ने अब तक हुए नुकसान का ब्यौरा भी मांगा है। वन संपदा और जंगली जानवरों को हुए नुकसान पर रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने जंगलों में लगी आग का खुद संज्ञान लिया है। तो हाईकोर्ट ने अब तक हुए नुकसान का ब्यौरा भी मांगा है, अपने दर्शकों को बता दें। और ये कहा गया कि कितना इसमें नुकसान हुआ है, वन संपदा और जंगली जानवरों को हुए नुकसान की रिपोर्ट भी इन डिटेल मांगी गई है। हाईकोर्ट ने जंगलों में लगी आग का खुद से संज्ञान लिया है और फिलहाल ये सुनवाई टल गई है। तो नैनीताल हाईकोर्ट में जंगलों की आग पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया। फिलहाल जो अगली सुनवाई है वो 9 तारीख यानी कि 9 मई को होगी। गौरव जोशी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। गौरव, जिस तरह से खुद सुमो मोटर लेते हुए हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब अगली सुनवाई 9 तारीख को, इस बीच किस तरह की डिटेल्स मांगी गई है कोर्ट के जरिए? जी घनश्याम, बताओ, जिस तरह प्रदेश के जंगलों में आग लगी हुई है और आग की वजह से हजारों हेक्टेयर वन संपदा पूरी नष्ट हो गई है जी। शुक्रवार को एक जानवरों को लेकर एक नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसका सुनवाई करने के बाद खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया और वन विभाग को निर्देशित किया था कि आज तक प्रदेश में आग से हुए जितना भी नुकसान हुआ उसके आंकड़े प्रस्तुत करें, जिसमें आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई के बाद विभाग की तरफ से जो आंकड़े जवाब दिया गया है उसका भी संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामला 9 तारीख के रखा है कि और कहा कि और भी इसमें जितने आंकड़े हैं वो दीजिए और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को इसमें प्रतिशत पत्र देने के लिए कहा है, जिसमें कहा है कि आज तक कितनी जनहानि हुई है और कितनी वन संपदा को नुकसान हुआ है, जिसका सुनवाई आने वाली 9 तारीख को होगी। ठीक, तो अगली सुनवाई 9 तारीख को होगी। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के जंगलों में गर्मी की वजह से आग भड़की हुई और ये भड़की हुई आग लगातार फैलती जा रही है। प्रदेश के सभी 13 जिले आग की चपेट में हैं। प्रदेश के 5 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी और नैनीताल में आग का कहर ज्यादा देखा गया है। आग के तांडव को देखते हुए सूबे के सभी 13 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। हालात पर पीएमओ, गृह मंत्रालय और पर्यावरण नजर रखे हुए हैं। वहीं राज्य में सभी वन अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सूबे में आग से झुलसने से अब तक 7 लोगों की मौत की खबर भी है। राज्य के अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली के गौचर में आग का प्रभाव सबसे ज्यादा है। यहां एनडीआरएफ की एक एक यूनिट लगाई गई है। तो आग की चपेट में उत्तराखंड के सभी 13 जिले हैं। पूरी खबर हम आपको फ्लैश के जरिए भी दिखा रहे हैं और तस्वीरें तो आप देख ही पा रहे हैं। तो जंगल की आग में प्रदेश के जो 5 जिले हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इनमें आप देख रहे हैं चमोली है, पौड़ी है, अल्मोड़ा भी है। चमोली में 200 हेक्टेयर जंगल का इलाका पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। जंगल लगातार धधक रहे हैं। रुद्रप्रयाग के 82 गांव प्रभावित है। उत्तरकाशी में 72, टिहरी में 35 गांव इस आग से प्रभावित है। 5 तस्वीरें देखिए इस आग से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से जो सेना के जवान है वो मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है। आग की चपेट में 13 जिले और ये धधकती हुई आग लगातार बढ़ती जा रही है। इस मदद के लिए आग को बुझाने के लिए MI-17 सेना का हेलीकॉप्टर लगातार काम कर रहा है, जो भीमताल से पानी उठा रहा है और फिर जंगलों में पानी छोड़ा जा रहा है। अब 6 तस्वीरें इस आग की हम दिखा रहे हैं जो लगातार बढ़ रही है, धधक रही है। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर साहब का बयान रहा है कि कुछ जगहों पर स्थिति कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें आपको प्रदेश की समाचार प्रेस के जरिए देखने को मिल रही है, जिसके जरिए लगातार बढ़ती हुई आग को आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और क्या कुछ किया जा रहा है वो हम ग्राफिकली आपको दिखा और समझा रहे हैं। और कौन जला रहा है जंगल और ये आग कब बुझेगी? तो जंगल के करीब 2240 हेक्टेयर में आग फैली हुई है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और 13 जिले जो लगातार हम आपको बता रहे हैं पूरी तरह से चपेट में, उत्तराखंड के 13 जिले चपेट में है जंगल की आग से। प्रदेश के 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 4 विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी है। और 5 जिलों की बात करें तो चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल इसमें शामिल है। चमोली में 200 हेक्टेयर जंगल का इलाका प्रभावित है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि ये आग कब बुझेगी? आग की वजह से रुद्रप्रयाग में 82 गांव बुरी तरीके से प्रभावित है और इसी फेरिस में जुटता है नाम उत्तरकाशी का भी, जिसके 72 गांव, टिहरी के 35 गांव आग की जद में है। आग की चपेट में पौड़ी के जंगलों का 704 हेक्टेयर का इलाका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इस तरह की खबरें मिल रही है। 50,000 की आबादी को प्रभावित किया है इस आग ने और ये आग लगातार बढ़ रही है। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है। जंगल की आग से करीब 200 गांव को जो प्रभावित हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आग बुझाने के लिए बनाई गई है 40 टीमें और इसमें सेना और एनडीआरएफ की टीमें भी जुटी हुई है। 40 टीमों में 1,166 लोग हैं। तो आग बुझाने के लिए बनाए गए हैं 40 कंट्रोल रूम।
तो उत्तराखंड के जंगलों में 2 फरवरी से लगी है आग। 27 मार्च से प्रदेश में लगा है राष्ट्रपति शासन। 2 फरवरी से 27 मार्च तक हरीश रावत करते रहे मजाक। 54 दिन जंगल जलते रहे। ये वो इनिशियल स्टेज थी जब हरीश रावत मजाक कर रहे थे, तब इस आग पर काबू पाया जा सकता था। मजाक में मशगूल रहे हरीश रावत, हरीश रावत की विधायकों की खरीद फरोख्त करते रहे, जंगलों में आग लगती रही, लोग परेशान होते रहे, किसी तरह की कोई सुध तब मुख्यमंत्री ने नहीं ली। और वहीं देवभूमि के जंगलों में लगी आग के मामले में केंद्र सरकार ने रिएक्शन दिया है। सरकार के मुताबिक नियंत्रण में है यह आग। लगातार वहां के जो भी स्थानीय अधिकारी हैं उनके संपर्क में हूं। राज्यपाल महोदय से भी हमारी बातचीत हुई है और केंद्र सरकार में भी अधिकारियों से बैठकर उत्तराखंड में जो आग लगने के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर चर्चा की है और क्या किया जा रहा है उसकी समीक्षा की है। आगे क्या करना है इस संबंध में भी आवश्यक निर्देश भी हमने दिए हैं। मुझे जो जानकारी दी गई है कि अभी स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है और अभी पूरी की पूरी फोर्स, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे NDRF हो, चाहे वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, यह सब सारे लोग मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और वहाँ के अधिकारियों का भी यह कहना है कि अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पिछले कुछ दिनों के प्रयासों से उत्तराखंड में जो जहाँ जहाँ आग लगी थी जंगलों में उन पर काबू पाया गया है। जहाँ 1200 से अधिक जगह आग लगी थी, आज 60 से भी कम जगह वो आग है। और 4 लोग भी पकड़े हैं कल पौड़ी में कि जो आग लगाते हुए पाए गए उनको भी पकड़ा है। तो ये ऐसा अगर कोई प्रयास करता है तो उसका पूरी जांच होगी और ये एक्शन हम सख्ती से लेंगे कि ये नहीं लगने देंगे। और देश भर में सभी राज्यों को जहाँ जंगल है वहाँ सबको अलर्ट किया है, क्योंकि रोज हम फायर अलर्ट देते हैं जहाँ भी आग लगती है। बहुत जगह जंगल में बसे वनवासी भी ये बड़े दुख की बात है जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर ये आपदा आई है और केंद्र सरकार इस आपदा के समय पर पूरी तरह से उत्तराखंड के साथ खड़ा है। केंद्र पहली बार आग के इस तरह की घटनाओं पर केंद्र सरकार की तरफ से सहायता की जा रही है। NDRF की कई कंपनियां इस पूरे अभियान में लगी है। भारतीय वायुसेना को भी पहली बार आग बुझाने के काम में उपयोग किया जा रहा है। तो भारत सरकार पूरी तरह से गंभीर है, राज्य प्रशासन से संपर्क पर है, लेकिन कांग्रेस के पास जिस तरह से मुद्दों की कमी हो गई है, जैसी हताशा उनके अंदर है, इस आपदा के समय में भी वो राजनीति कर रहे हैं। और प्रदेश भर के जंगलों में आग लगने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आग से हजारों एकड़ वन जलकर खाक हो चुके हैं। जंगलों में आग लगने के बढ़ते सिलसिले को देखते हुए केंद्र की तरफ से NDRF और वायुसेना की मदद से जंगलों में पानी का छिड़काव हो रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। जंगलों की आग बुझाने के मिशन में वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के द्वारा भीमताल से पानी भरकर स्नो व्यू से लगे जंगलों में बौछार की जा रही है पानी की। नैनीताल के जंगलों में लगी है आग और जिसको बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का बेस कैंप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में बनाया गया है। घोड़ाखाल में हेलीपैड भीमताल और नैनीताल के बीचों बीच बने होने की वजह से बनाया गया। पास की झील भीमताल से बावी बकेट में पानी भरकर हेलीकॉप्टर आसपास के जंगलों की वनाग्नि को बुझाने में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर की उड़ान में तकरीबन 3500 लीटर पानी लेकर उड़ान भर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हेलीकॉप्टर के एक उड़ान में कई सौ लीटर पानी लिया जा रहा है जिसका छिड़काव किया जा रहा है। तो आग बुझाने में सेना लगी हुई है, NDRF की टीम मुस्तैद है। हालांकि आग अभी भी जंगलों में फैली हुई है, बढ़ती जा रही है और MI-17 हेलीकॉप्टर भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है और भीमताल के खीरते जिस तरह से पानी लिया जा रहा है और फिर उसे छिड़काव किया जा रहा है, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें अभी 3 एक्टिव हमारी फायर्स हैं जो कि शहर के नज़दीक हैं। एक किलबरी के इलाके में है, एक जूलीकोट नलिना के इलाके में है और इसके अलावा एक स्नोव्यू के इलाके में है।
और आइए आपको बताते हैं बामी बकेट की खूबी क्या है। वैसे भीषण आग लगने की हालत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बामी बकेट तभी ज्यादा इस्तेमाल में होती है जब आग बहुत तीव्रता से फैल रही हो। तो आपको बता दें भीषण आग लगने की हालत में इस्तेमाल किया जाता है बामी बकेट, जो फिलहाल इस हेलीकॉप्टर में लगाया गया है। बकेट हल्का होने की वजह से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, यानी मूवमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। हेलीकॉप्टर से बकेट में पानी भरा जाता है और फिर इसे गिराया जाता है। पायलट का बामी बकेट पर कंट्रोल होता है पूरी तरीके से, यानी वही इसे पूरी तरीके से संचालित करता है। झीलों से बकेट में 10,000 लीटर पानी भरकर ले जाया जा सकता है, यानी इस बकेट की जो कैपेसिटी है वो 10,000 लीटर की है। कम और छिछले पानी में भी होता है बामी बकेट का इस्तेमाल, यानी डेप्थ जहां ज्यादा ना हो वहां भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका, कनाडा और रूस में बामी बकेट का लगातार इस्तेमाल होता रहा है। 110 से ज्यादा देशों में आग बुझाने में होता है इसका इस्तेमाल। देशों का जिक्र भी मैंने आपसे अभी किया। 1982 में पहली बार किया गया था बामी बकेट का इस्तेमाल, और इसका इस्तेमाल करके जंगलों की आग पर काबू पाया जा रहा है। इस साल जो ये इतना ज्यादा फॉरेस्ट फायर हो रहा है, ये एक साइकिल होता है। 2012 में भी इसी प्रकार के साइकिल आया था। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और जंगलों में जो पिरूल है, जो पाइन नीडल्स हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो ये दो कारण के वजह से, और कुछ शरारती तत्व हैं जो कि लगाते हैं। अब 6,000 आदमी, कुछ जगहों पर सेना की मदद ली गई है, फायर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारी हेल्प कर रहा है, NDRF की टीमें आ गई हैं, आज होम मिनिस्ट्री की भी एक टीम आ रही है। तो पूरे प्रिकॉशंस लिए गए हैं, एक दो दिन में ये कंट्रोल में आ जाएगी। कठुआ और मेलचोरी जहाँ पे आग लगी हुई है, वायुसेना में देखिए इनकी तो अपनी 11 सदस्यीय टीम है, लेकिन जो फील्ड स्टाफ अलग है, जो मेन जो काम करने वाला वो अलग है। इनके साथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी जो मदद के लिए, इमदाद के लिए लोग हैं। कल हमने कुछ ऑपरेशंस किए थे और उसमें कई जगह सक्सेसफुल हुए भी हैं। फिर आज मौसम थोड़ा सा खराब लग रहा है एंड हम वेट करें, जैसे मौसम खुल जाएगा हम ऑपरेशन चालू कर देंगे। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी टीम रेडी है, हमारी बैम्बी बकेट तैयार है और पूरा ग्राउंड स्टाफ रेडी है। जैसे ही मौसम खुल जाएगा हम ऑपरेशंस करना चालू कर देंगे। और पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती हुई आग की घटनाओं को रोकने के लिए चीड़ के जंगलों को नष्ट करने की मांग अब उठने लगी है। वन में लगने वाली आग से जंगली जानवरों को और जल स्रोतों को भारी नुकसान पहुंचता है। इससे निपटने के लिए अब एक ठोस नीति बनाने की पहल की जा रही है। चीड़ की जगह बांज और बुरास के जंगल विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। चौड़ी पत्ती के पेड़ों से वर्षा में बढ़ोतरी भी होती है, जिससे वनाग्नि की घटनाओं में कमी होगी। आपको बता दें कि जो जंगल की आग है उसकी वजह से पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट आई है प्रदेश में, साथ ही लोगों में बीमारियां बढ़ने का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। चीड़ का पातन यहाँ पर जरूर करें, क्योंकि जब तक चीड़ नहीं कटेगा तब तक ऐसे ही आने वाले समय में भी आग का प्रकोप पहाड़ों के अंतर्गत रहेगा। आगजनी हमेशा होती है, लेकिन इस बार इसका प्रकोप लगातार बढ़ गया, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए की हमारी वन संपदा की हानि हो गई है। वैसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सारे जंगलों के लिए जिम्मेदारी है, लेकिन ज्यादातर हम आरक्षित वन में ही अपने मैन पावर कर पाते हैं, उतने संसाधन नहीं है। इसलिए मुझे पंचायत के लोगों का भी सहयोग चाहिए, आम जनता का भी सहयोग चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो फायर की विभीषिका को समझें। इससे होने वाले दूरगामी जो नुकसान है, जो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, जो हमारे पानी का दिक्कत आएगी, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा, ये भी उनको बताने की जरूरत है। और ये आपको बताते हैं कि पहाड़ के जंगलों में कैसे आग लगती है। कई बार देखा गया है कि पहाड़ से खिसक कर पत्थर जो दूसरे पत्थरों पर गिरते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है, जो जंगलों में आग की वजह भी बनती है। वहीं गर्मी के दिनों में पेड़ भी आपस में रगड़कर चिंगारी पैदा करते हैं, जिससे आग लग जाती है। जबकि देखा यह भी गया है कि धूम्रपान के बाद बीड़ी और सिगरेट के जलते हुए टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, उससे आग लगती है और धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। कुछ शरारती तत्व भी कई बार जंगल में आग लगाते हैं। कहने वाले कह गए हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, और दिखाने वाले दिखा भी रहे हैं। सवा महीने से हरीश रावत स्टिंग को झूठा बताते रहे, लेकिन CBI के डर से जुबान खुल गई। लेकिन शाम होते होते बयान से ऐसी पलटी मारी कि नेता कम और गिरगिटिया अवतार में ज्यादा नजर आए। दिखाते हैं आपको कैसे। राजनीति के भी अजब गजब के रंग, हरीश की पल में बदली जुबान ने किया सबको दंग। सुबह खरीद फरोख के स्टिंग का कबूलनामा, शाम होते होते बदल गया अफसाना। हरीश का गिरगिटिया अवतार,
सूबा सियासी संकट से क्या घिरा, नेताओं ने असली रंग दिखा दिया। सत्ता पर चिपके रहने की चाहत में नेताओं ने क्या नहीं कर दिया, नैतिकता की होली दी, देवभूमि की बोली लगा दी। और जब ये सियासत सच सरेआम हुआ भी तो छाती पीट पीट कर बताया कि ये सच नहीं साजिश है, मैं हर जांच की आंच में तपने को तैयार हूँ। लेकिन जब वाकई में सीबीआई जांच के आदेश हो गए तो अरमानों पर तो जैसे सांप ही लौट गए, बंद जुबान खुल गई, ये कबूल हो गया, हाँ स्टिंग में मैं ही था। लेकिन ये कबूलनामा भी इस अंदाज में किया कि मानो कोई गुनाह न किया हो। बातचीत करने का सवाल है, पत्रकार से बातचीत करना क्या अपराध है? कोई आदमी कह रहा है तो जैसे वो मेरा मन बहला रहा है वैसे मैंने भी कुछ मन बहलाने के लिए कुछ शब्द कह दिए हूँ। हरीश का ये बयान स्टिंग के सच से क्या जरा भी मेल खाता है? जिस मुद्रा और भाव भंगिमा में हरीश थे वो जरा भी मजाकिया लगता है? मजाक तो ये है कि जो हरीश सूबे की जनता से कर रहे हैं, क्या हेलीकॉप्टर से पत्रकार को मिलने वो मजाक में चले गए? मजाक में ही करोड़ों की डील करने लगे, लूट की छूट देने लगे। बहरहाल चलिए, ये तो रही हरीश की एक बेतुकी सफाई, और अब एक बेशर्मी भी सुनिए। ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि वो यदि 15 लाख झूठ बोल 15 करोड़ कह रहे हैं तो कहाँ से उनके पास 15 करोड़ आए, और यदि वो झूठ बोल रहे हैं तो हो सकता है दूसरा आदमी भी झूठ बोल रहा हो। इसका अर्थ ये थोड़ी क्या है एक्सेप्टेड कि मैं उसे कोई मैंने कोई एक्सेप्ट किया। जी हाँ, एक कबूलनामा सुबह का था, लेकिन शाम होते होते फिर नियत और जुबान इतनी तेजी से बदली कि देखकर इंसान तो इंसान गिरगिट भी शर्मा जाए। हरीश फिर पुराने रंग में लौट आए, स्टिंग में मैं नहीं था कोई दूसरा होगा। तो वहीं जो कांग्रेस कल तक स्टिंग को फर्जी बता रही थी, हरीश के कबूलनामे के बाद उनकी भी जुबान बदल गई, और वो भी सीना ठोक कर कहने लगे पत्रकार से मिले तो क्या गुनाह किया। मगर इन कांग्रेसियों को भी क्या पता था कि हरीश रावत अपने बयान से पलटी मार लेंगे, वरना वो भी स्टिंग को फर्जी बताने पर ही अड़े रहते। ये कहा कि मैं कई बार संबंधित पत्रकार से मिला हूँ, सीडी एक फरेब है, उसको सही उसमें जो है लोगों के सामने नहीं रखा गया, टुकड़ों टुकड़ों में रखा गया है। हरीश के बदलते बयान पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक हरीश रावत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। माननीय हरीश रावत जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, अपने आप ही दिग्भ्रमित हो गए हैं। अब आपने स्वीकार कर लिया है मैं स्टिंग के समय था, कहते हैं कि मैंने भी झूठ बोला, आपने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। नेताओं ने सियासी स्वार्थ में ऐसी आबोहवा खराब की, चमकते चमन की कि खिलखिलाते गुलिस्ता मुरझा गए हैं। बहरहाल जो लुट गया वो तो लुट ही गया, लेकिन अब आगे भी जनता ही न जागी, लूट की छूट, रंग बदलती राजनीति और नेताओं की गिरगिटिया अवतार, ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा। ये उत्तराखंड की राजनीति का कैसा चरित्र है जिसकी बुनियाद झूठ पर रखी जा रही हो। पिछले एक महीने से हरीश रावत प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना रहे थे और स्टिंग को फर्जी करार दे रहे थे, लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच शुरू हुई तो हरीश रावत ने भी मान लिया कि हाँ स्टिंग में वो मौजूद थे, लेकिन पत्रकार से मजाक करने गए थे। ऐसे में प्रदेश की जनता अब हरीश रावत के इस मजाकिया अंदाज को किस तरीके से जवाब देती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पवन रावत के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। और वहीं हरीश रावत के मानने के बाद कि सीडी में वो खुद मौजूद हैं, उत्तराखंड की जनता ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वो इन बातों को मजाक समझते हैं, उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि वो एक पत्रकार के सीटिंग में मजाक कह रहे हैं। उन्होंने तो जनता उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है, हमें वो बेवकूफ समझते हैं? उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी है। वहाँ क्या मजाक करने गए थे? कभी वो कहते हैं कि सीडी में मैं नहीं था, कभी वो सीडी को डॉक्टरेट बताते हैं, कभी वो सीडी को फॉल्स बताते हैं, आज अपने ही मुंह से कह रहे हैं कि सीडी में मैं था, कि मैंने मजाक में बोल दिया। तो क्या उत्तराखंड का ये मजाक बना रहे हैं? मजाक नहीं बनाया उत्तराखंड का, पूरे देश और विदेश के सामने। ऐसे आदमी को तो तुरंत उत्तराखंड से बहिष्कार कर देना चाहिए। ये हरीश रावत जी बोल रहे थे कि मैं मजाक कर रहा था, तो उत्तराखंड की जनता बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है, जनता समझदार है। हरीश रावत जी को ऐसा मजाक करने का किसी ने जो इतनी छूट नहीं दे रखी है, और देखिए ये मजाक गलत है, ऐसी मजाक जनता के साथ में ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए।